एशियन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे राज्य में जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अलग अंदाज में स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता साइकिल चलाकर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगों को संदेश दिया कि देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर इसका विरोध किया जाए। इसी कड़ी में गया के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह बिस्कोमान के बिहार झारखंड निदेशक विनय कुमार यादव के नेतृत्व में साइकिल मार्च निकाला गया। इस साइकिल मार्च के मौके पर विनय यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पूरे बिहार में जिले से लेकर पंचायत स्तर तक स्थापना दिवस के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि साइकिल चलाकर हम एक संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि देश में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर हम सरकार को बताना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से हम परेशान हैं। किसान मोटरसाइकिल और कार कहां से चलाएंगे, इसलिए हम साइकिल चलाकर बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार से किसान परेशान है, आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर एनडीए को देखने को मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरुआ का विधायक विनय यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थापना दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थापना दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रवासी मजदूरों को रोजगार दो, देश की बेरोजगारी दूर करो। राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है और हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव गरीबों के कलियर के दोस्तों के हम लोगों का नेता जो है आज वो जेल में है। उनके आदेशानुसार हम लोगों का जो उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और जगता बाबू के आदेशानुसार हम लोगों ने पहले आप देख रहे थे कि कोरोना के चलते जब हमारा प्रवासी मजदूर बिहार में आए थे तो उनको रोजगार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने आह्वान किए थे। उस आह्वान में भी था कि सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने अपने दरवाजे पे थाली बजाकर उन लोगों को रोजगार की मांग करेंगे। उसी प्रकार जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था तो हम लोग पटना में उनको धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन हमारे गरीबों के मसीहा हैं आदरणीय लालू यादव तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई भी जन्मदिन कोई भी कार्यकर्ता केक काटकर नहीं मनाएंगे। और वो सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान किए थे कि लालू यादव के जन्मदिन पे अपने पास पड़ोस रहते हुए जो अगल बगल गरीब हमारे जो असहाय मजदूर हैं उनको आप 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति जो भी कार्यकर्ता से बने उसको आप लोग भोजन कराएंगे। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के गुरुआ जो है वो तमाम लोग यहाँ के कार्यकर्ता बहुत धूमधाम से हजारों लोगों के नमन विद्या विद्यालय पे भोजन करवाने का काम किए थे। आज वही स्थापना दिवस है तो हम लोगों को पटना में 5 जुलाई को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आह्वान था कि आप लोग सभी लोग जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो पंचायत स्तर पे पंचायत के अध्यक्ष जी अपने पंचायत में, प्रखंड स्तर पे प्रखंड अध्यक्ष हमारे जीवन था गया जी प्रधान सचिव जी सब प्रखंड में, जिला स्तर पे तमाम राजद के कार्यकर्ता विधायक सांसद पूर्व विधायक उसी कार्यक्रम में 5 किलोमीटर को आप लोगों को साइकिल चलाकर आज देख रहे हैं कि बेतहाश डीजल पेट्रोल का जो वृद्धि हो रहा है उसको रोकने के लिए, प्रवासी मजदूरों का जो रोजगार नहीं मिल रहा है उसको रोजगार के लिए, आज जो निजीकरण किया जा रहा है 109 रूटों पर रेलवे भेज दिया गया, ये सारे मुद्दाओं को लेकर जनता के बीच में जाना है। साइकिल चलाकर यही मैसेज देना चाहते थे कि जो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पे बेतहाश वृद्धि हो रहा है, ये देश का पहला, आप देखे होंगे कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो, आज देश में पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है। और हम लोग गरीबों का आज जो किसान का देख रहे हैं खेती का टाइम है आज 14-15 रुपये लीटर बढ़ गया, तो वो किसान जिसका आज आप जानते हो कि 100 रुपया का वो गंजी नहीं खरीदता है और वो आज 72 रुपया और 78 रुपये पेट्रोल खरीदा डीजल खरीद रहा है और वो कैसे खेती करेगा कैसे ट्रैक्टर चलाएगा। इसी को हम लोग साइकिल चलाकर कि आप मोटरसाइकिल को बेच दीजिए कार को रख दीजिए अब वही साइकिल पे चलिए, नहीं तो सरकार को जब तक हम लोग बदलेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे चलेंगे, यही संदेश देना चाहते थे। गरीब गुरुआ साइकिल चलाकर लोगों को जगाना चाह रहे थे कि किसानों को न्याय मिले, किसानों का जो आज देख रहे हैं कि उनकी उपज का दाम नहीं मिलता है, आज उनका अगर ट्रैक्टर का जुताई
आप समझ रहे हैं ये जुलाई महीना किसानों का महीना है और इस समय डीजल का वृद्धि होना यानी कि किसान विरोधी सरकार होना, इसी के विरुद्ध में हम लोग आज मैसेज दे रहे हैं। और मेरा आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम गुरुआ के कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए, इसलिए मैं गुरुआ के तमाम जनता को, राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे पदाधिकारी के सभी हमारे कार्यकर्ता को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन और उनको। गया के बांके बाजार प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद के युवा नेता रविंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के गलत नीतियों एवं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई। मौके पर सभी राजद कार्यकर्ताओं ने बाबा धाम से भलुआर तथा वहां से पुनः बांके बाजार होते हुए बिशनपुर मोड़ तक साइकिल चलाकर केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। साथ ही साथ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन मांगा। इस साइकिल रैली में राजद के प्रखंड अध्यक्ष दरोगा प्रसाद डांगी, प्रधान महासचिव बिंदु यादव, प्रखंड महासचिव रविंद्र कुमार यादव, पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान, राजकुमार यादव, अमान अंसारी, अनूप कुमार के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हाँ सबका हो गया, वीडियो बन रहा, साथ में फोटो। गया के डेल्हा के रहने वाले संजय यादव के नेतृत्व में टिकारी एवं कोच प्रखंड के युवाओं एवं किसान और छात्र मजदूरों के अलावा राजद कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि के खिलाफ 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संजय यादव व अन्य राजद कार्यकर्ताओं ने राजद के 24वें स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई भी दी। प्रदर्शन में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दाम व महंगाई को लेकर लोगों के बीच नाराजगी दिखी। लोगों ने पार्टी का झंडा लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए संजय यादव के द्वारा साइकिल से प्रदर्शन कर रहे हर व्यक्ति को एवं अन्य लोगों के बीच मास्क का भी वितरण करवाया गया। प्रदर्शन कार्यक्रम में राजद टेकारी प्रखंड अध्यक्ष विनोद शर्मा, बंटी यादव, मुन्ना यादव, मधेश यादव, उदय यादव, संटी यादव, कुमार गौरव के अलावा अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।